की दुनिया आम आदमी से हर मायने में अलग होती है। किन्नरों के बारे में काफी कम जानकारियां ही आम लोगों को मिल पाई है। इनकी दुनिया जितनी अलग होती है उतनी उनके रीति रिवाज और संस्कार भी उतने अलग होते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जब किन्नर की मौत होती है तब उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दोस्तों, किन्नर के अंतिम संस्कार को गोपनीय रखा जाता है। बाकी धर्मों से ठीक उल्टा किन्नरों की अंतिम यात्रा दिन की जगह रात में निकाली जाती है। किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर किन्नरों से छिपाकर किया जाता है। इनकी मान्यता के अनुसार अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम आदमी देख ले तो मरने वाला का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म के कई रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है बल्कि इनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। कहा जाता है कि इससे उन जन्म में किए सारे पाप का प्रायश्चित हो जाता है। अपने समुदाय में किसी की मौत होने के बाद किन्नर अगले एक हफ्ते तक खाना नहीं खाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्नर समाज अपने किसी सदस्य की मौत के बाद मातम नहीं मनाते हैं। इसके पीछे ये वजह है कि मौत के बाद किन्नर को नरक रूपी जिंदगी से मुक्ति मिल जाती है। मौत के बाद किन्नर समाज खुशियां मनाते हैं और अपने आराध्य देव अरावण से मांगते हैं कि अगले जन्म में मरने वालों को किन्नर ना बनाए। तो दोस्तों, ये है किन्नरों की अंतिम संस्कार का सच। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।